आप सभी ने BTS के साथ सेसंग का नाम तो सुना ही होगा। ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जो BTS के पीछे पागल ही हो जाते हैं। ऐसे में कुछ स्टॉकर्स भी होते हैं जो कि BTS की इन्फॉर्मेशन को यहाँ वहाँ बेच के पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। लेकिन रिसेंटली हमें पता चला है कि एक्चुअली BTS के कहीं दूर नहीं बल्कि उनके आसपास ही कुछ ऐसे स्टॉकर्स हैं जिनसे BTS को काफी बड़ा खतरा है। और दोस्तों, ये स्टॉकर्स और सेसंग कोई और नहीं बल्कि खुद ही हाइप के कुछ स्टाफ मेंबर्स हैं, और इसके बारे में खुद बिगिट ने रिवील किया है। लेकिन आखिर ये स्टाफ ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे BTS को खतरा है, वो जानने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो कुछ वक्त पहले भी मैंने आपको बताया था कि BTS की कंपनी में कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद BTS की इन्फॉर्मेशन बाहर सेल करते हैं, जिसकी वजह से BTS और उनकी कंपनी को काफी नुकसान हुआ था। तो दोस्तों, रिसेंटली हाइप की एक रिपोर्ट सामने आई थी जहां पर उन्हें पता चला कि कुछ स्टाफ मेंबर्स ने ऑलरेडी BTS की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को बाहर पब्लिक में सेल किया था, जिसकी वजह से बिगिट को काफी बड़ा लॉस हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि BTS की इन्फॉर्मेशन बेचने से बिगिट को लॉस कैसे हुआ। तो दोस्तों, एक्चुअली BTS ने जो ब्रेक लिया था ग्रुप एक्टिविटीज से, वो आज की बात नहीं थी। यानी ये बात काफी पहले से डिसाइडेड हो चुकी थी कि BTS आगे जाकर इस साल ब्रेक लेंगे, और ये बात ऑब्वियसली वहाँ बिगिट के स्टाफ को तो पता ही थी। तो कुछ स्टाफ मेंबर्स जो कि BTS के इन्फॉर्मेशन को मैनेज करते हैं, उन्होंने बाहर पब्लिक में जाकर बहुत ही सारे लोगों को ये इन्फॉर्मेशन सेल कर दी, जिसकी वजह से जब लोगों को पता चला कि BTS अपनी जो वर्किंग्स हैं उसको ग्रुप की तरह रोक देंगे और सेपरेट हो जाएंगे, कुछ टाइम तक सोलो एक्टिविटीज करेंगे, तो बहुत सारे लोगों ने हाइप के शेयर्स में से पैसा निकाल लिया। क्योंकि BTS जो भी काम करते हैं उसकी वजह से हाइप को बहुत पैसा मिलता है, लेकिन अगर BTS वर्किंग नहीं करेंगे, कॉन्सर्ट्स पे नहीं जाएंगे, तो हाइप की वैल्यूएशन कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जब ये इन्फॉर्मेशन फैली तो बहुत सारे लोगों ने पैसा निकाला और BTS को और उनकी कंपनी को बहुत भारी लॉस हो गया था। और उस समय हाइप काफी कंफ्यूज हो गई थी कि आखिर ये कैसे हो गया, कैसे लोगों ने पैसा पहले ही बाहर निकाल लिया। लेकिन अब रिसेंटली पता चला है कि कुछ स्टाफ मेंबर्स हैं जो ऑलरेडी इस इन्फॉर्मेशन को बहुत लंबे टाइम तक सेल कर रहे थे। हालांकि दोस्तों, बड़ी बात तो ये है कि ये तो एक छोटी सी बात है, चलो, लेकिन ये स्टाफ मेंबर्स कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जिनके पास BTS की इन्फॉर्मेशन का काफी एक्सेस है, तो ये काफी सारी चीजें BTS की पब्लिक कर सकते हैं, और काफी सारी प्रोबेबिलिटी है कि शायद अब तक इन्होंने BTS की काफी सारी इन्फॉर्मेशन को सेल किया होगा और उससे अच्छा पैसा कमाया होगा। लेकिन इससे BTS की प्राइवेसी को बहुत ही बड़ा खतरा है। जैसा कि बहुत ही सारे सेसंग फैंस वगैरह क्लेम करते रहते हैं ना कि वो किसी से इन्फॉर्मेशन परचेज करते हैं और फिर हमें बताते हैं या फिर रिवील कर देते हैं कि BTS उसको डेट कर रहे हैं या फिर नहीं, तो हो सकता है कि इन स्टाफ में से किसी स्टाफ मेंबर ने ऐसी ही BTS की इन्फॉर्मेशन को बाहर बेचा हो। तो आर्मीज, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है, इन स्टाफ मेंबर्स को हाइप से निकाल देना चाहिए या फिर नहीं। साथ ही साथ जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।